শুধু যে মানবতার বার্তা দেওয়া তা নয়, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার পথও এক ধাপ যে ভারত এগিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ রাখলেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের সওয়ালে বিশ্বমঞ্চে শায় জি-20 স্থায়ী সদস্য হলো আফ্রিকান ইউনিয়ন। ভারতই প্রথম এই আবেদন জানায়। উদ্বোধনী ভাষণে বলেন প্রধানমন্ত্রী, জি-20 জগৎ সভায় আবেগ ঘন মুহূর্ত, মোদীকে জড়িয়ে ধরলেন আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए, मेरा विश्वास है इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है।